हेलो दोस्तों, मैं हूँ हासिम रजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। आप देख सकते हैं हमारे पास ग्लेबर FIM दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम किस तरह से है आपको दिखाते हैं। गाड़ी मिसिंग करता है दोस्तों, झटका लेता है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और हमारा चेक इंजन लाइट भी नहीं शो कर रहा है दोस्तों। और हमारा वायरिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इसका मिसिंग का इशू है, इसका फोड़ता है। तो डायरेक्टली हम इसका इंजेक्टर साफ करेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों मैं डायरेक्ट सब खोल चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे ओपन कर चुके हैं। और ये हमारा इंजेक्टर है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ इसमें दो बोल्ट है दोस्तों, 8 नंबर का। इसको ओपन करना है, 8 नंबर पाने का मदद इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये दोनों ओपन कर लेना है। थोड़ा सा लूज करने के बाद ये क्लिप है दोस्तों, इसको इस तरह से दबा के ऊपर की ओर खींचना है सावधानी से, क्योंकि ये फाइबर का रहता है दोस्तों, बहुत दिक्कत होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लॉक है, एग्जिक्टर वाला पाइप है जो टंकी से दोस्तों आया है डायरेक्ट इसमें एग्जिक्टर के ऊपर। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको पुश करेंगे दोस्तों, इस तरह से दबा के आप यहाँ खोल सकते हैं। तो दोस्तों एग्जिक्टर को हम बाहर लेते हैं, इसको खोल चुके हैं और आगे का आपको बताते हैं। तो दोनों बोल्ट को हम ओपन कर चुके हैं और एग्जेक्टर को इस तरह से घुमा के बाहर लेंगे इस तरह से। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कितना कचरा है इसमें। आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे ये पूरा ब्लैक पड़ा है दोस्तों, और इसमें बारीक बारीक बहुत सारा कचरा है। तो दोस्तों इसको हम क्लीन करेंगे 12 वोल्ट अटैच करके, और किस तरह से साफ़ करेंगे दोस्तों वो आपको दिखाते हैं इस तरह से। और इसको ये पाइप को इस तरह से लॉक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से अंदर की ओर दबा के इसको खींचेंगे दोस्तों, और ये हमारा निकल आएगा एकदम आराम के साथ। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एग्जेक्टर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम डायरेक्टली साफ़ करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों एग्जेक्टर साफ़ करने के लिए हमको 3 चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे एक बैटरी है ये 12 वोल्ट का, और ये हमारा कनेक्टर है ये वायर का बनाया गया है, और ये WD-40 आता है दोस्तों, और ये दूसरा कंपनी का है। इसका लिंक हम दे चुके हैं वीडियो के अंदर, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम साफ कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसमें 12 वोल्ट अच्छे देना है दोस्तों, और इसमें माइनस प्लस रहता है वो देख के काम करना है, नहीं तो आपका एग्जेक्टर उड़ने का प्रॉब्लम एग्जेक्टर के अंदर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करेगा। आप 12 वोल्ट अटैच करेंगे, और इस तरह से इसको बनाया गया, आप देख पा रहे होंगे। इसको इस तरह से हम इसमें डायरेक्टली अटैच करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से पकड़ेंगे दोस्तों एग्जेक्टर को, क्योंकि ये बाहर निकलने का भी इशू है, बाहर निकल भी सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रेस करेंगे और वहाँ 12 वोल्ट अटैच करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लीक कर रहा है, वापस हम इसको चेक करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हम देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से इसको हम क्लीन करेंगे दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे प्रेशर पूरा तरह से नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों, अभी प्रॉपरली इसको साफ करेंगे हम। इसी तरह से 2-4 बार हम प्रेशर मारेंगे इसको, और सही तरीके से इसको साफ करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसको हम 3-4 बार मारेंगे दोस्तों, यहाँ से लीक कर रहा है, वापस हम इसको सही से करते हैं दोस्तों उसके बाद। तो यहाँ से लीक का इशू रहेगा दोस्तों, प्रेशर सही से नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ लीकेज नहीं होना चाहिए। और इसको तो दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरह से लगा चुके हैं, सही से करके कनेक्ट किए हैं, और वापस हम इसको साफ़ करेंगे दोस्तों इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो दोस्तों ये प्रॉपर प्रेशर बनना चाहिए, अभी भी इसमें थोड़ा कम है। और इस तरह से इसको साफ़ करेंगे हम, देख पा रहे। तो दोस्तों इस तरह से 12 वोल्ट अटैच करेंगे हम, और यहाँ से प्रेशर देंगे दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे ये हमारा वहाँ तक प्रेशर जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस तरह से। तो इस तरह से इसको हमको क्लीन करना है दोस्तों, 4-5 बार प्रेशर मारेंगे इस तरह से, और अटैच करेंगे 12 वोल्ट। ये हमारा क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं आप पूरा तरह से फुहारा मार रहा है, और यहाँ मुंह के पास देख सकते हैं पूरा तरह से हमारा पेट्रोल सप्लाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा क्लीन हो चुका है दोस्तों, कोई इशू नहीं रहा इसमें। अब डायरेक्टली हम इसको लगाएंगे गाड़ी के अंदर, और आपको चेक करके बताते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एग्जेक्टर का बोल्ट दोनों हमने टाइट कर चुका है, 8 नंबर वाला। और दोस्तों यहाँ माइनस प्लस नहीं समझ में आता है तो कैसा पता करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोस्तों क्लिप किस तरह से लगता है। और आप देख पा रहे होंगे ये 12 वोल्ट इसमें अटैच रहता है, ये हमारा रेड में ब्लैक है लाइन दोस्तों, दिख पा रहा होगा आपको।
और ये हमारा 12 वोल्ट अटैच रहता है और ये हमारा एसीओ से सिग्नल आता है। तो ये देख लेने के बाद दोस्तों वहाँ अटैच करने के लिए दिक्कत नहीं है, तो वापस हम इसको लगाएंगे दोस्तों और डायरेक्टली आपको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक क्लिप को हम इसमें अटैच कर दिए दोस्तों, और ये हमारा है एग्जेक्टर वाला पाइप और इसको डायरेक्टली हम इसमें लॉक कर देंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस तरह से ये हमारा लॉक हो चुका है और यहाँ से डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चाबी को हम 3 से 4 बार ऑन ऑफ करेंगे क्योंकि पाइप को ओपन किए थे दोस्तों, इजेक्टर का ओपन करने के बाद प्रेशर उसमें बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हम 4 से 5 बार ऑफ ऑन करेंगे दोस्तों, हमारा पाइप लाइन पूरा भर जाएगा और उसके बाद हम डायरेक्टली अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, चेक इंजन लाइट के जा चुका है आगे और गाड़ी को हम स्टार्ट करें, गाड़ी हमारा परफेक्टली स्टार्ट है दोस्तों। और आप देख पा रहे होंगे मिसिंग का कोई इशू नहीं है गाड़ी के अंदर, आप देख पा रहे हो गाड़ी फुल रेस ले रहा है दोस्तों, कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं रहा, आप देख पा रहे होंगे इस तरह। तो दोस्तों इसका एग्जेक्टर में दिक्कत था, एग्जेक्टर जाम था दोस्तों, पानी उनी कचरा बिचरा जाने की वजह से थोड़ा सा चौकअप हो जाने के बाद मिस करने लगता है गाड़ी। तो प्रॉपर तरह से मेरा गाड़ी एकदम परफेक्ट हो चुका है और हमारा यहाँ पर चेक इंजन लाइट जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे वायरिंग इशू नहीं है दोस्तों, वायरिंग इशू रहता है तो चेक इंजन का इशू रहता है। तो इस तरह से फिर वापस स्टार्ट करेंगे और गाड़ी हमारा देख सकते हैं फुल पिकअप ले रहा है दोस्तों, और कोई इशू नहीं, मिसिंग का कोई इशू नहीं है गाड़ी को ऑफ करके। तो दोस्तों इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन को भी ऑन कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।